we are going to start the new topic which is correlation. मीनिंग ऑफ कोरिलेशन. देखो बच्चों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोरिलेशन आपको दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है. एक बार अपन इसके डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं. कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन प्राइस लीड्स टू चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड. आप देखोगे इसमें प्राइस और क्वान्टिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन है, तो वो क्या कहलाता है? कोरिलेशन. Correlation studies and measures the direction and intensity of relationship among variables. It measures covariation and causation. Means ये आपको बताता है कि कोई भी दो variable के बीच में क्या relationship है, या तो direct या indirect, या तो positive या negative. Types of correlation. Students, there are two types of correlation: positive relation and negative relation. Positive relation is said to be when the variables move together in the same direction. जब वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन सप्लाई. डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन सप्लाई. इसमें क्या हो रहा है? प्राइस और सप्लाई दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. नेगेटिव वेरिएबल, व्हेन द वेरिएबल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, इट इज सेड टू बी कोरिलेशन नेगेटिव. अगर वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? कि कोरिलेशन कैसा है? नेगेटिव है. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू फॉल इन डिमांड. अपोजिट जा रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है और डिमांड फॉल हो रहा है, तो इसे मैं क्या बोलूंगी? नेगेटिव कोरिलेशन. क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों, सबसे पहले अपन देखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन के. Price of commodity and amount of supply increase in height and weight. Negative के, sale of woolen garments and day temperature, demand for a commodity may go down, as a result rise in price. Student, side में मैंने आपको इसके positive, negative और degrees दिए हैं कि अगर हमारा correlation plus one positive है तो perfect है, अगर negative है तो minus, मतलब one है तो perfect. देन हाई कब होगा, मॉडरेट कब होगा, लो कब होगा, जीरो कब होगा. कहने का मतलब है, मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है जिससे आप जज कर पाएंगे कि अभी कोरिलेशन कैसा है. अब स्टूडेंट आता है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन. स्टूडेंट, देर आर थ्री मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन. फर्स्ट वन इज द स्कैटर डायग्राम, सेकेंड इज द कार्ल पियर्सन, एंड द लास्ट वन इज द स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन. स्कैटर डायग्राम के अंदर अपन इसको ग्राफिकल शो करते हैं, मीन्स ग्राफ के थ्रू अपन कोरिलेशन शो करते हैं. कार्ल पियर्सन के अंदर अपन क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं, ठीक है, जबकि स्पीयरमैन के अंदर अपन क्वालिटेटिव लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल रैंक, जैसे रैंक देते हैं किसको? ऑनेस्टी को, ठीक है, ब्रेवरी, विजडम, एबिलिटी. तो इन स्कैटर डायग्राम थ्रू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कार्ल पियर्सन क्वांटिटेटिव और स्पीयर्समैन क्वालिटेटिव. अब स्टूडेंट सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कार्ल पियर्सन ऑफ कोरिलेशन. कार्ल पियर्सन ऑफ कोरिलेशन में सबसे फर्स्ट मेथड आता है, वो आता है एक्चुअल मीन मेथड. इसका आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. यहाँ पे आर क्या है? कोरिलेशन, ठीक है, और x कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स बार, मतलब मीन, और y y माइनस y बार. क्लियर टू यू? सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन इट्स न्यूमेरिकल. स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग क्या निकालेंगे? कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमको x और y गिवन है. x में हम कैसे निकालेंगे? x माइनस एक्स बार. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर? मीन. मीन कैसे निकालेंगे हम? सबको अपन ऐड करेंगे, क्योंकि ये क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है, x अलग है और y अलग है, ठीक है. देन 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, 35 हमारा हो गया. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 35 इसका टोटल आ रहा है मेरा, डिवाइड बाय 7, तो ये क्या आ जाएगा? 5, ठीक है. अब इसमें से मैं इसको लेस करूंगी, तो कैसे करूंगी? 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, और ये कितना आ गया? 3. अब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1 0, 1 4 और 3 का 9. जब मैं इसका टोटल करूंगी तो कितना आएगा मेरा? 28, ठीक है. अब बच्चों ये चीज अपन करेंगे y में. 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18, कितना आया? 70.
70 डिवाइड बाय 7 तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। देन 4 ये मत लिखिए इधर, इसको अपन 10 कर देते हैं। देन 4 माइनस 10 तो ये आ जाएगा माइनस 6, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 4 एंड 8, ठीक है। अब मैं इसका क्या कर दूंगी, स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का कितना होगा 4, 1 का 1, 0, 16 और 64, क्लियर। अब इनका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, 36 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 64, देखिए जरा, माइनस 6 हमारा आया, हमने कैसे निकाला, सबसे पहले हमने 70 डिवाइड बाय 7 किया तो क्या आया 10, 10 में से हमने इन सबको लेस किया, 10 माइनस 4 इज माइनस 6, सॉरी 4 माइनस 10 इज माइनस 6, 7 माइनस 10 इज माइनस 3, 8 माइनस 10 इज माइनस 2, 9 माइनस 10 इज माइनस 1, 10 माइनस 10 इज 0, 14 माइनस 10 इज 4, 18 माइनस 10 इज 8। अब इनका मैं क्या कर दूंगी, स्क्वायर, 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0, 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, देन 36 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 64, ये आ जाएगा अपना 130, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हम किसको करेंगे, x एंड y को, तो 3 6 जा 18, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, देन 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। अब इन्हें हम क्या कर देंगे, टोटल 18 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 24, तो ये मेरा कितना आ गया 58, ठीक है। अब इसे अपन फॉर्मूले पुट करेंगे, 58 स्क्वायर रूट लेंगे अपन किसका, 28 इंटू 130, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, 58 डिवाइड बाय 28 इंटू 130, तो ये हो जाएगा अपना 3640, देन 58 इसका अंडर रूट कर देते हैं अपन, तो आता है 60.332, ठीक है। 3640 अगर अंडर रूट करेंगे तो 60.332 आ जाएगा, देन 58 डिवाइड बाय 60.332 तो ये अपना आएगा 0.961, और ये अपना क्या है स्टूडेंट्स, कोरिलेशन। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, पहले मीन निकालिए, मीन में से माइनस करिए, इनका स्क्वायर करिए, मल्टीप्लाई करिए और वैल्यू पुट करिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली पूछिए। स्टूडेंट इससे पहले हमने किया था एक्चुअल मीन मेथड, अब अपन चलते हैं मेथड बी पे जो है हमारा अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड मीन्स शॉर्टकट मेथड, या अपन उसको बोल सकते हैं एक्चुअल मीन मेथड भी, कई बुक्स में इसे मेंशन किया गया है, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि उस बुक में एक्चुअल मीन है इसमें अज्यूम है, इसीलिए मैंने दोनों इन्वॉल्व किए हैं। पहले वाला था हमारा एक्चुअल मीन मेथड और ये है हमारा अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। स्टूडेंट्स अपन करेंगे अगेन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इसको अपन किस मेथड से कर रहे हैं, अज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। तो देखिए हमने इसमें x और y लिया है और अज्यूम मीन ले लिया है 8 x के लिए और y के लिए 20। सबसे पहले अपन निकालेंगे dx, कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 8 करके, तो वो होगा माइनस 4, देन माइनस 2 0, देन 15 माइनस 8 अपना आ जाएगा 7, एंड 20 माइनस 8 अपना आ जाएगा 12, ठीक है। अपन इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 0, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का सॉरी 12 का 144, ठीक है। अब हम बात करते हैं dy की, dy में हमने अज्यूम मीन किसको लिया है, 20 को लिया है, तो देखिए 10 माइनस 20 इज माइनस 10, 15 माइनस 20 इज माइनस 5 0, 25 माइनस 20 इज 5 एंड 30 माइनस 20 इज 10, इसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 100, 5 5 जाए 25 0, 5 5 जाए 25 और ये 100। आप इन सबका टोटल कर देते हैं, 4 5 6 और 12 प्लस 7 तो हो जाएगा 19 माइनस 6 तो ये आ गया मेरा 13, ठीक है। देन 16 प्लस 4 प्लस 49 प्लस 144 तो ये अपना कितना आ गया 213। देन 10 और ये 15, 15 और 15 कितना आ जाएगा, ये 0, और ये भी क्या आएगा
जीरो, ठीक है 125, नो बच्चों सॉरी 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 इट इज नॉट द जीरो, ये आएगा 125 + 125, तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 250, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में अपन इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 16 × 100 कितना हो जाएगा हमारा 1600, ये आ जाएगा 25 × 4 100 0, देन 49 × 25 आ जाता है 1225, देन 144 × 100 तो ये आ जाता है 14400। स्टूडेंट देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके एक टेबल और बनाइए, या हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो वो मैं यहां ड्रॉ कर देती हूं, dx × dy मीन सिर्फ इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो देखिए -4 × -10 तो जाएगा 40, 5 × 2 = 10, 0, 7 × 5 = 35 और 12 × 10 = 120। इसका अब हम क्या कर देंगे, टोटल 40 + 10 + 35 + 120 तो कितना आ गया ये हमारा 205, ठीक है। एक बार से बच्चों हम चेक कर लेते हैं, बिकॉज चेक करना बहुत जरूरी है, वापस चेक कर लीजिए, 4 × 10 = 40, 5 × 2 = 10, 0 × 0 = 0, 7 × 5 = 35, 12 × 10 = 140 और टोटल इसका चेक कर लीजिए तो ये अपना आ रहा है 205, क्लियर। अब अपन इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये देखिए मैंने वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लिया है, जहां पे dx × dy है वहां पे आ गया 205, देन dx × dy, dx कितना है 13, dy है 0 और अपना n कितना है 5, देन dx स्क्वायर 213, देन 13 का स्क्वायर 5 250, 0 का स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। अब बच्चों इस पूरी इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, 205 - 13, 0 = 0 और 0/5 कितना होता है 0, जो सबको ही पता है। देन आता है नेक्स्ट 213, पहले बच्चों अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर कितना आएगा अपना 169, ठीक है। तो 213 - 169/5 तो ये अपना आता है 33.8 मल्टीप्लाई बाय 250, ये 250। स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे ओनली 250 ही रह जाएगा, रीजन ये है कि यहाँ पे 250 ही क्यों रह गया, क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 और 0/5 इज 0, 250 - 0 इज 250, ठीक है। देन मैं इसको माइनस करूंगी, अब उसको अभी अपन ऐसे ही रहने देंगे, 213 - 33.8 तो इसको मैं अपन कुछ इस तरह से कर लेती हूँ, 205 यहाँ लिख देते हैं अपन और ये अपना आ जाएगा 179.2 और 250 का स्क्वायर रूट आ जाएगा अपना 150.81। स्टूडेंट इसका ही मैं स्क्वायर रूट ही लिख देती हूँ, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं नीचे, जैसा कि हमने किया था 213 - 33.8 तो अपना कितना आया था 179.2, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगी तो ये अपना आ जाएगा 13.38, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15.81, ठीक है, और इसके अपॉन में क्या था 205, क्लियर। अब इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 115.81 तो ये हो गया अपना 205 / 211.64, ठीक है। तो 205 / 211.64 तो ये अपना आ जाता है 0.986, क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है बट कोई बात नहीं, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, एग्जाम में स्टेप्स और कैलकुलेशन दोनों का अलग अलग नंबर होते हैं, अगर आपने फॉर्मूला लिखा और एक टेबल बनाया है देन ऑल्सो यू विल गेट गुड मार्क्स। स्टूडेंट्स ये है अपना कोरिलेशन का थर्ड मेथड, कार्ल पियर्सन में हमने एक्चुअल मीन पढ़ा, अज्यूम मीन पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे लास्ट स्टेप डेविएशन मेथड, सो लेट्स डू इट्स न्यूमेरिकल।
अपन करेंगे इसको स्टेप डेविएशन मेथड से. बच्चों डिस्क्रीट मेथड में, सॉरी अज्यूम मीन मेथड में और स्टेप डेविएशन मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस है सिर्फ डिवाइड बाय सी का. अगर आप फॉर्मूला देखोगे सिर्फ खाली डैश का ही इसमें डिफरेंस है. इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे डीएक्स लिया है जैसे अपन निकालते हैं सेम, इसे कुछ नहीं करना है अपन को, सी से डिवाइड करना है. तो देखिए माइनस 10 और हमारा सी क्या है इसके अंदर 5, ठीक है. तो माइनस 10 हमारा माइनस 10 आ गया इसके अंदर डिवाइड बाय 5, तो क्या आएगा माइनस 2, माइनस 1 0, देन 5 डिवाइड बाय 5 इज 1 और ये 2, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर 4 1 0 1 4, ठीक है. इसका हम क्या करेंगे अब टोटल, तो ये तो हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3 और 3 0, 4 1 5, 5 5 10, ठीक है. इसके अंदर भी आप देखिए dy डैश, dy हमारा कहाँ है वो रहा, ठीक है, ये रहा अपना dy डैश. देन इसी को हम किससे डिवाइड करेंगे, c2 से डिवाइड करेंगे. तो देखिए 10, 10 डिवाइड बाय 5 तो कितना आ जाएगा हमारा 2, 5 डिवाइड बाय 5 इज 1, 0 डिवाइड बाय 5 इज 0, माइनस 5 डिवाइड बाय 5 इज माइनस 1, माइनस 10 डिवाइड बाय 5 इज माइनस 2, इसका भी हम क्या कर देंगे टोटल, तो क्या आ जाएगा 0. इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर 4 1 0 1 और 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10, ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. कैसे करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई इज माइनस 1, देन 2 2 जा 4. अब इसका हम क्या करेंगे टोटल, ठीक है, कितना हो जाएगा ये हमारा पास आ जाएगा 8, सॉरी 4 और 1 5 माइनस का, 4 और 1 5 माइनस का, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस का, क्लियर. अब बच्चों ये सारी वैल्यूज देखिए मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी है. अगर आप देखेंगे तो यही वही फॉर्मूला है जो अपना एक्चुअल मीन का था, सिर्फ खाली इसके अंदर डैश लग गया है. इसको एडिटली जब पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 1. आई होप बच्चों आपको ये स्टेप डेविएशन मेथड भी क्लियर हुआ होगा. बच्चों स्टेप डेविएशन जरूरी है कि पहले आपको एक्चुअल मीन मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड प्रॉपरली आए तो ही आप स्टेप डेविएशन कर सकते हैं. थैंक यू. स्टूडेंट्स अभी तक हमने किया था कार्ल पियर्सन मेथड, अब हम स्टार्ट करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड. और ये इसका फॉर्मूला है, R यहाँ पे है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, D यहाँ पे है रैंक डिफरेंसेस और N यहाँ पे है नंबर ऑफ पेयर्स. लेट्स डू इट्स न्यूमेरिकल. स्टूडेंट्स अपन करेंगे न्यूमेरिकल मेथड व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब रैंक क्या होगी दी भी होगी, ठीक है. तो देखेंगे हम यहाँ पे R1 माइनस R2, ये हमारे पास दो इक्वेशंस है और इन दोनों में रैंक दी भी है, मींस जजेस ने अपनी रैंक इसमें दे दी है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, R1 माइनस R2 मतलब दिस माइनस दिस, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 9, देन ये पर आ जाएगा 4, सॉरी यस इस तरह से पहले आप डिनोट कर लीजिए अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर. माइनस 9, माइनस 4, माइनस 2, 0, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 1, माइनस 6, माइनस नॉट माइनस सॉरी 8, 7, ठीक है. अब हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 81, 4 का आएगा 16, 2 का मेरे पास आएगा 4, 0, 2 का 4, 3 का 9, 1, 6 का 36, 8 का 64 और 7 का 49. तो इसका अपन कर देते हैं टोटल अब 81 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 49. तो ये मेरे पास आ गया 264, ठीक है. और n कितना है 10. अब इसको अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये मेरा फॉर्मूला है देखिए 1 माइनस 6 फॉर्मूले में से आ गया, सिग्मा डी स्क्वायर क्या है 264 अपॉन एन क्यूब दैट इज 10 का क्यूब माइनस 10. इसे अपन अब सॉल्व कर देते हैं, 1 माइनस 264 इंटू 6 क्या आएगा मेरा 1584, 10 का क्यूब अपना हो जाएगा 1000 माइनस 10, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे अपन अगेन, 1 माइनस देन 1584
upon 990, ठीक है, देन 1584 डिवाइड बाय 990, तो ये हो जाएगा 1.6, 1 माइनस 1.6 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा अपना 0.6. तो अपना कोएफिशिएंट ऑफ रैंक का कोरिलेशन क्या है, 0.6. बच्चों बहुत ही सिंपल था, जब हमारे पास रैंक्स गिवन होगी. एक्चुअली बच्चों अपन इस न्यूमेरिकल को, मतलब आने वाले न्यूमेरिकल भी अपन जो स्पेयर्स में इनका फॉर्मूले है, इसको अपन तीन वे में करेंगे, व्हेन रैंक्स आर गिवन, रैंक्स आर नॉट गिवन एंड रैंक्स आर गिवन बट अनइक्वल. ठीक है, तो ये था हमारा व्हेन रैंक्स आर गिवन. फ्रेंड्स अब अपन करेंगे व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक्स दी हुई नहीं होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैंक देंगे. देखिए स्टूडेंट्स इसमें हम रैंक कैसे देते हैं, जो सबसे बड़ा है उसे हम क्या देंगे, 10th रैंक. ठीक है, देन जैसे 18 को मैंने क्या दे रखा है, 10th रैंक. देन 18 के बाद आता है अपने पास 17, 9th रैंक. 16 को 8th रैंक, 15 को 7th रैंक, 14 को 6th रैंक, 13th को 5th रैंक, देन 5th रैंक, देन 12th को 4th रैंक, देन 11th को 3rd रैंक, 10th को 2 रैंक और सबसे स्मॉलेस्ट को 1st रैंक. इसी तरह से अपन y को भी रैंक देंगे. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू इन द सेम मैनर एज r1 माइनस r2. तो देखेंगे r1 माइनस r2, तो इट विल बी माइनस 3, 0, 3, 0, देन अगेन माइनस 3, देन 3 माइनस, देन 6, देन 2, देन 1, देन माइनस 3. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, स्क्वायर 3 जा 9, 0, 9, 0, 9, 9, 6 का 6 जा 36, 2 जा 4 और 1 का 1 और माइनस 3 का 3 जा 9. अब ऐसे क्या कर देंगे टोटल, तो देखिए 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 10, तो ये कितना आ गया मेरा 86. ठीक है, और अपने n कितने हैं, 10. ठीक है, अब बच्चों इसको अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए हमारा फॉर्मूला ये है 1 माइनस 6 इंटू 86 अपॉन 10 का क्यूब माइनस 10, तो ये हो गया अपना 6 इंटू 86 आ गया 516 अपॉन 10 का क्यूब कितना होता है 1000, फिर 1000 माइनस 10 होगा 990. ठीक है, देन 516 डिवाइड बाय 990, तो ये अपना आता है 0.5212. ठीक है स्टूडेंट, अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मैंने इसे n इसमें क्या लिया है, 10 लिया है, वो कैसे लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स यहां हमने इसको क्या लिया है, 10 लिया है, हमने इसको टोटल नहीं किया है. ठीक है, नाउ यहां 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये अपना आ जाता है 1 माइनस 0.5212, तो ये आता है 0.4788 और ये मेरा क्या है, रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन. अब आता है व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड द फॉर्मूला इज, कई बार क्या होता है, जैसे अपन ने पिछले अपन ने जो रैंक दी, जैसे फॉर एग्जांपल 18th को हमने 10th रैंक दी थी और 17 को अपन ने 9th रैंक दी, अब अगर दो बार 18 आया तो आप क्या करेंगे, उस चीज के लिए स्पेयर्स मैन ने अपन को ये फॉर्मूला दिया है, लेट्स डू इट्स न्यूमेरिकल. ये है व्हेन रैंक्स आर नॉट इक्वल. ठीक है, तो देखते हैं अपन, सबसे पहले अपन रैंक देना इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में. देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपन x की, x में हाईएस्ट क्या है, 28, इसको मैंने फर्स्ट रैंक दिया है, देन 20 सेकंड रैंक, देन 18 थर्ड रैंक, 16 फोर्थ रैंक, 15 फिफ्थ रैंक, देन 12 सिक्स्थ रैंक, देन 7th रैंक में आप देखोगे बच्चों, तो देखो दो चीज इक्वल आ रही है, ये भी 10 है ये भी 10 है, या तो मैं इसको दे लूं 7 इसको दे लूं 8 या इसको दे लूं 7 इसको दे लूं 8, तो ये चीजें क्या है, ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती है. तो इसके लिए अपन को क्या करना है, किस दो रैंक पे अपन को प्रॉब्लम आ रही है, 7th एंड 8th में, तो 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो 7 प्लस 8 कितना हो, 15, 15 डिवाइड बाय 2 हो गया 7.5, तो हम दोनों को क्या दे देंगे, 7.5 7.5. ठीक है, डन ये चीज. अब वही चीज मैंने उसमें करी है, देखिए सबसे पहले अपन चलते हैं बिगेस्ट कौन सा, 18 को फर्स्ट रैंक, देन यहाँ पे सेकंड रैंक, देन यहाँ पे थर्ड रैंक, देन यहाँ पे फोर्थ रैंक. ठीक है, अब आता है फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक में कंफ्यूजन.
क्लियर। तो देखो 12 और 12 दो बार आ रहा है, तो वही अपन करेंगे सेम। 6 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, 11 डिवाइड बाय 2 क्या आता है 5.5। तो यहां मैंने 5.5 दिया और यहां मैंने 5.5 दिया। 6th और 5th हो गया, ये मेरा हो गया 7th रैंक और ये मेरा हो गया 8th रैंक। ठीक है, कहने का मतलब है जब रैंक रिपीटेड हो रही है तो हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना और दोनों को सेम रैंक देना है। और अब वही फॉर्मूला चलेगा अपना R1 माइनस R2L D2। फटाफट ऐसे अपन सॉल्व कर देते हैं। तो ये अपना आ गया 3, देन 7.5 माइनस 4 ये आ गया अपना 3.5, देन 2 माइनस 8 अपना आ गया माइनस 6, देन 1 माइनस 5.5 तो ये आ गया माइनस 4.4, माइनस 1, देन 7.5 माइनस 3 तो ये आ गया अपना 4.5, देन 4 माइनस 1 इज 3, देन 3 माइनस 5.5 अपना आ गया माइनस का 2.5। अब इसका मैं क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी। 3 का स्क्वायर अपना आ गया 9, 3.5 इंटू 3.5 तो ये आ गया अपना 12.25, देन 6 का 36, देन 4.4 इंटू 4.4 तो ये हो गया 19.36, 1 का 1, 4.5 इंटू 4.5 तो ये आ गया अपना 20.25, 3 का 9, 2.25 इंटू 2.25 तो ये अपना आ गया 6.25। ठीक है, अब इनका अपन क्या कर देंगे, टोटल 9 प्लस 12.25 प्लस 36 प्लस 19.36 प्लस 1 प्लस 20.25 प्लस 9 प्लस 6.25 तो ये आ गया अपना 113.11 इसका टोटल। ठीक है, अब बच्चों ये सब वैल्यूज को मैंने क्या किया है, इसके अंदर पुट किया है तो देखेंगे। अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, थोड़ा बहुत डेसिमल के ऊपर नीचे वैल्यू आती है, मैंने यहाँ पे सिर्फ खाली 2-2 डिजिट ही लिए हैं। अगर मैं इसको 4-4 डिजिट लेती तो यहाँ मेरा क्या आ जाता, ये 114। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 114 ही इसको पुट किया है। तो वैल्यू में 114 पुट करेंगे, देन अपन क्या करेंगे, देखिए जो अपना फॉर्मूला है 6, अपना 6 आ गया, सिग्मा डी कितना आया 114। मैं वापस बोल रही हूँ, अगर आप डेसिमल को 3 डिजिट या 4 डिजिट तक लेंगे तो आपका 114 राउंड ऑफ होके आ जाएगा। ठीक है, देन 114 1 अपॉन 12 ये फॉर्मूले में ही गिवन है। दो बार रैंक रिपीट हो रही थी इसलिए 2 स्क्वायर, सेकंड वाले में दूसरी बार रैंक, दो रैंक रिपीट हो रही थी 2 क्यूब नॉट स्क्वायर क्यूब। ठीक है, देन 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, 8 क्यूब एंड 8 और फिर इसको अपन ने पूरे को सॉल्व कर दिया है। ये देखिए मैंने सब में वैल्यू पुट कर रखी है, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 115 तो होता है 690 अपॉन 504, 690 डिवाइड बाय 504 माइनस 1 तो ये मेरा क्या आ गया 0.36 इज द आंसर। क्लियर, तो बच्चों जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी वो थी इस तरह से रैंक को पुट करना, बाकी इसमें कोई इश्यू नहीं था। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे मेरा रैंक 2 ये दे रखे थे, 2 बार ही रिपीट हो रहा था। इन केस ये 3 होता तो मैं एज इट इज एक स्लॉट 1/12 m³ - m₁ वाला ये वाला जो स्लॉट है, इस स्लॉट को मैं एक बार और लिख देती। जितनी बार आपकी रैंक रिपीट हो रही है उतनी बार आपको इस स्लॉट को बार बार लिखना होगा। क्लियर, सो बच्चों यहाँ पे अपना जो स्पेयर्समैन मेथड है वो कंप्लीट होता है। और अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर।